नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि अभी सुबह 8 बजे के आसपास ग्रुप डी ने आंसर की जारी कर दी थी। अगर आंसर की जारी कर दी थी तो बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना स्कोर देख लिया। मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंटों का फोन आया जिनके 70 नंबर, 75 नंबर, इवन रेलवे पाठशाला से 83 नंबर तक मैक्सिमम लिया है। मैं अभी उस लड़के का नंबर लेके आऊंगा, लेकिन वो सब बात की बात है। सभी के मन में एक छोटा सा प्रश्न ये हो रहा है कि सर मेरे 60 नंबर है, मेरे 57 नंबर है, मेरे 65 नंबर है, मेरे 70 नंबर है, तो क्या मुझे पीटी की तैयारी करनी चाहिए। तो पहली बात आप ये समझिए कि पीटी की तैयारी के लिए 1 लाख स्टूडेंट नहीं, उसका 3 गुना मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाना है। ओके, तो आप अपनी वैकेंसी को 3 टाइम्स तक ले सकते। तो आप ये कहेंगे कि पीटी में ज्यादा स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, उसके बाद वो फाइनली चाट छाट करेगा। हरा तो मैं अगर सारे के सारे नंबर को देखने के बाद आपको ये एक जनरल आइडिया दूं कि सारे के सारे जितने भी जोन हैं उन जोनों का क्या क्या हमारा कट ऑफ रह सकता है, या कट ऑफ ना कहिए, आप ये कहिए कि आपका सेफ स्कोर क्या है जिसके लिए आप पीटी रेलवे आपको पीटी के लिए बुला सकता है। हरा तो अगर मैं पूछूं कि बताइए पीटी पर जाने के लिए क्या स्कोर रह सकता है, तो एक जनरल जो मुझे सारे बच्चों ने स्कोर भेजा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में किसी भी जोन पे 63 के अराउंड नंबर आ रहा है, 63 से 65 नंबर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि आप अपनी पीटी की तैयारी तो एकदम जारी रखिए। किसी भी जोन में अगर आप 63 से 65 यूआर कैटेगरी में लेके आ रहे हैं तो आप अपनी पीटी की तैयारी को जारी रखिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 57 से लेके 59 के बीच नंबर आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, 57 से 59 जो ज्यादातर लोगों को आ रहा है, तो आप अपने पीटी की तैयारी को जारी रखिए। ओबीसी में ध्यान रखना आपको 60 से 62 के आसपास यदि आपका स्कोर है, 62 मतलब 60 से 62, तो फिर आप अपनी पीटी की तैयारी को एकदम जारी रख सकते हैं। अगर एससी की बात करते हैं तो एससी में अगर आपका स्कोर मिनिमम स्कोर की मैं बात कर रहा हूं 50 से 52 के बीच है, 50 से 52 के बीच, तो आप अपनी पीटी की तैयारी को एकदम कंटिन्यू कीजिए, लग जाइए दौड़ने पे। एसटी की बात करते हैं तो अगर आपका ये स्कोर जो है 45 से 47 के आसपास आ रहा है, है ना, तो फिर आप अपनी पीटी की तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आप किसी भी जोन से हो, आप हुबली जोन से हो, आप कोलकाता जोन से हो, अगर आपका मिनिमम स्कोर इतना है तो डेफिनेटली आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अभी परसेंटाइल का कल हम लोग फॉर्मूला बताएंगे और उसके आधार पर भी बताएंगे कि कितना नंबर बढ़ सकता है, ये डिपेंड करेगा कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है, कौन सी आसान आई है। फिलहाल अगर आपका स्कोर इस रेंज में आता है तो आप अपनी पीटी की तैयारी को जारी रखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर इस रेंज में है या फिर नहीं। जय हिंद।